माओवादियों के बंद का असर अमरनाथ यात्रा पर देखने को मिल रहा है। इसके कारण अमरनाथ यात्रा का जत्था आगे नहीं जा सकेगा। वहीं यात्रियों को शनिवार को जम्मू कश्मीर में नहीं जाने दिया गया। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। केरल के डीजीपी जेल ऋषिराज सिंह के मुताबिक मुमकिन है कि श्रीदेवी को डुबोकर मारा गया हो। सदियों पुरानी परंपरागत प्रथा पौनी पसारी अब सरकारी योजना। पौनी पसारी यह छत्तीसगढ़ी नाम है और छत्तीसगढ़ में चलने वाली ये सदियों पुरानी प्रथा है। इस प्रथा के तहत गांवों में परंपरागत रूप से व्यवस्था संचालित होती है। इसमें धोबी, नाई, लोहार, कुम्हार, कोष्टा, बंसोड़ आदि परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोगों का आजीविका का संचालन इसी प्रथा के तहत होता है। अब इसे आगे बढ़ाते हुए सरकार इसे आधुनिक स्वरूप में योजना के रूप में ला रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया अपनी टीम के साथ सर्किट हाउस से महासमुंद और रायपुर जिले के दो गौठान के निरीक्षण के लिए रवाना होंगे। महासमुंद विधानसभा के कछारडीह और रायपुर में अभनपुर विधानसभा के नवागांव में गौठान जाकर कार्यों का अवलोकन करेंगे। पिछले एक साल में टिकट कैंसिलेशन से ही रेलवे ने मोटी कमाई कर डाली है। यह खुलासा आरटीआई से हुआ है। 2018-19 में रेलवे ने सिर्फ टिकट कैंसिलेशन से ही 1,536 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में शनिवार को संसद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्पीकर सहित बीजेपी के कई दिग्गज मंत्रियों और सांसदों ने परिसर में झाड़ू लगाई। आने वाले साल 2020 में कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किए जाने वाले हैं। कई मौजूदा ऑटोमोबाइल कंपनियां इनके लिए काम कर रही हैं, तो कई स्टार्टअप कंपनियां भी अपने नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में उतारने का प्लान बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी चाहता है कि अगर किसी देश के गैर अनुबंधित क्रिकेटर को किसी भी देश की लीग में खेलना है तो उसे अपने बोर्ड से स्वतः मंजूरी मिल जाएगी, और अगर उसका बोर्ड आपत्ति करता है तो उस देश को यह साबित करना होगा कि उसकी आपत्ति सही है।